नमस्कार देशवासियों, आज 14 सितंबर है और आप सबको पता होगा कि आज क्या है। नहीं पता? वेरी गुड। पता तो मैं बता देता हूँ, आज है हिंदी दिवस। पता भी कैसे होगा, जिस देश के स्कूलों में लिखा जाता है प्राउड के साथ इंग्लिश मीडियम स्कूल, वी आर इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो उस देश में बताना पड़ता है कि आज हिंदी दिवस है। और ये भी आपको बता दूं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है। जनरली नॉर्थ इंडिया में हम हिंदी को मातृभाषा कहते हैं, माँ की भाषा, क्योंकि माँ हमें बहुत सिंपली समझ सकती है और हम माँ को समझ सकते हैं। लेकिन हमारे जो लॉर्ड मैकॉले, हम वर्ड सुनना आप, लॉर्ड मैकॉले वर्ड बोला है, हमने तो अपने इंग्लिश के चकाचौंध में इतने अंधे हो चुके हैं कि हमने तो अपने भगवान को भी लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड विष्णु कहना शुरू किया है, जबकि लॉर्ड एक डेजिनेशन होती थी जो क्वीन और देती थी, कोई अच्छा काम कोई करता था उसे देती थी, जैसे लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रदरफोर्ड, लॉर्ड माउंटबेटन। हमने तो अपने भगवान को भी लॉर्ड कर रखा है, क्योंकि इंग्लिश है ना, इंग्लिश है तो सुपीरियर होगी, ये हमारी मेंटेलिटी डाली गई है। और ये डाली गई है, ब्रिटिश ने डाली, लेकिन ब्रिटिश चले गए, लेकिन आज भी हमारे जो स्कूलिंग सिस्टम है, आप देखना प्राउड से लिखेंगे वी आर इंग्लिश मीडियम स्कूल, और तो और बहुत सारे स्कूल के जो डायरेक्टर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, उनको तो इंग्लिश, आपको अपना सब्जेक्ट साइंस आए या ना आए, लेकिन इंग्लिश आनी चाहिए। अगर इंग्लिश बोलते हो तो आप बहुत नॉलेजफुल हो, नहीं बोलते हो तो आप अनपढ़ हो। ये हमारे जो ऑनर्स हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे हैं, उनको इंग्लिश ही बहुत कुछ लगता है। मींस कोई बीमार पड़ गया तो डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, अगर उसके साइड में बैठ के इंग्लिश बोलना शुरू करो वो ठीक हो जाएगा। कोई ब्रिज बनवाना है, कुछ और रॉकेट है बनवाने हैं, या फिर साइंस टेक्नोलॉजी रिलेटेड, तो आप इंग्लिश बोल सकते हो तो आप ये सब कर सकते हो, हिंदी बोल सकते हो तो आप नहीं कर सकते। ये मेंटेलिटी तो बन चुकी है और हिंदी दिवस हम मनाया जा रहा है, तो ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। जहाँ हेलो, हाय, सच टाइप्स ऑफ वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, मॉम डैड, इनको हम क्या रखें, सोसाइटी के स्टेटस सिंबल, पिताश्री माताश्री, नमस्कार, इनको हम समझते हैं आउट ऑफ कल्चर, ये इलिटरेट के सिम्टम्स हैं। तो उस देश में हिंदी दिवस का सेलिब्रेशन और मनाया जाना क्या एक मजाक नहीं है? हमने तो हिंदी को तुच्छ समझ रखा है, जबकि इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं, कोई मीनिंग नहीं, उनको हमने सिर पे सजा के रखा। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट है, और वही एजुकेशन सिस्टम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, अगर कोई लैंग्वेज बोल के कोई कंट्री डेवलप हो जाती तब तो हर कंट्री डेवलप हो जाती, क्योंकि हर कंट्री की अपनी एक लैंग्वेज है। इटली इटालियन बोल के डेवलप्ड है, रसिया रशियन बोल के डेवलप्ड है, फ्रांस फ्रांस फ्रेंच बोल के डेवलप्ड है, चाइनीज बोल के डेवलप्ड है, तो हम हिंदी बोल के डेवलप्ड क्यों नहीं हो सकते? लेकिन हमारी मेंटेलिटी ऐसी डाल दी गई है, इंग्लिश इज सुपीरियर, तो ये किसने डाली और इनको फॉलो अब तक कौन कर रहा है, ये भी एक सोचने की बात है। डाल दी तो ठीक है, लेकिन फॉलो हम कर रहे हैं अभी तक, जिसके लिए हमारे स्कूलिंग सिस्टम जिम्मेवार है। और तो और लोग कॉन्वेंट स्कूल, जिसको स्टेटस सिंबल समझते हैं, तो उसमें हमें लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप जाके देखना कॉन्वेंट का मतलब क्या होता है। ये चर्च जो चलाते हैं, जो ऑर्फन बच्चे होते हैं, जो चर्च चलाते हैं स्कूल ऑर्फन बच्चों के लिए, उनको कहते हैं कॉन्वेंट स्कूल, नहीं कॉन्वेंट वर्ड जाके आप देख लेना। ये भी कुछ टीचर को तो कॉन्वेंट का मतलब पता नहीं है, ये तो मैंने लाइव देखा है, उस टीचर को हकीकत बता दी तब उसका दिमाग ठिकाने तब भी नहीं आया, कॉन्वेंट का मतलब वो समझती स्टेटस सिंबल। तो ऐसे तो तुम्हारे टीचर हैं, तो फिर बच्चों को क्या बताएंगे? बात हिंदी की आती, हिंदी, अभी मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आप डायरेक्ट, मैं बोल रहा हूँ आप डायरेक्ट समझ रहे हो, जबकि अगर मैं इंग्लिश बोलता तो पहले आप इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट करता है हमारा माइंड, अगेन वो समझता है। इसी तरह से जब आपको इंग्लिश में बोलना है तो फिर हिंदी का कन्वर्जन करके हमारा माइंड इंग्लिश में आता है, तब आप बोलते हैं, तो हमारे माइंड में प्रेशर आता है, और जब किसी भी चीज़ पर हमारे माइंड पर प्रेशर आएगा तो वो चीज़ हमारे माइंड में समझने के लिए सूटेबल नहीं होती। तो हिंदी जब बोलने में आसान है, समझने में आसान है, जिस बात को मैं हिंदी में समझा सकता हूँ, मदर टंग में समझा सकता हूँ, मातृभाषा में समझा सकता हूँ, वो जल्दी बच्चे की समझ में आएगी। तो इसमें कहाँ हिंदी और इंग्लिश का मैटर हो जाता है। मैं इंग्लिश का बहिष्कार नहीं कर रहा हूँ कि अगर आप समझ रहे हो कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ख़राब बोल रहा हूँ, उसकी बात नहीं, लेकिन अगर कोई एट द सेम टाइम हिंदी को इन्फीरियर कहे, तब मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो कि मेंटलिटी बहुत की बन चुकी है, जो वेस्टर्न कल्चर को या फिर इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत हाई फाई समझते हैं।
वी आर इंग्लिश मीडियम स्कूल। भाई तुम इंग्लिश को इतना प्राउडली क्यों फील कर रहे हो? क्योंकि आप ब्रिटिश के गुलाम थे, इसलिए इंग्लिश को कह रहे हो। तो अगर इंग्लिश आपको नहीं आती इसका मतलब आप इलिटरेट हो, तो फिर जर्मन भी आनी चाहिए, क्योंकि जर्मन भी डेवलप्ड थे, इटालियन भी आनी चाहिए, इटालियन भी डेवलप्ड थे। तो आपको इंग्लिश को ही इतना प्राउड क्यों फील किया गया? कि इंग्लिश के हम ब्रिटिशर के गुलाम थे, इसलिए हमने इंग्लिश को बहुत सिर पे चढ़ा के रखा, सिर का ताज बना के रखा। ठीक है, तो ओवरऑल कहने का जो हमारा मेरा तात्पर्य पूरा मीनिंग ये है कि हम लोग को हिंदी को अधिक से अधिक यूज़ करना चाहिए। हमारा फोकस विज्ञान पे होना चाहिए। विज्ञान भी हमारा बहुत ही उन्नत था। पृथ्वी को गैलीलियो ने नहीं बताया कि गोल है। अगर ऐसा हो तो नवग्रह कहाँ से? हमारे वेद पुराण में नवग्रह का वर्णन है। इसके बाद आप देख सकते हैं एक अवतार था विष्णु का, जिस उस अवतार में आप देखना कि एक गोला कुछ गोल पिंड बना हुआ है, एक जंगली जानवर है उसके रूप में था, विष्णु ने अवतार लिया था उसमें। तो वो हम आज बोल रहे हैं गैलीलियो के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, गैलीलियो ने बताया पृथ्वी गोल है, तो वो तो सदियों सदियों पहले था, जब गैलीलियो के बाप दादा का भी जन्म नहीं हुआ था। हमारा तो हर चीज़ में विज्ञान भी डेवलप था, उन्नत था सारा कुछ। तो हिंद पहले क्या संस्कृत बोलते थे? तो कहाँ से बात आ गई इंग्लिश को प्राउड फील करवाने की? इंग्लिश बोलने वाला प्राउड फील कर रहा है और हिंदी बोलने वाला अपने आप को इन्फीरियर फील कर रहा है। करवाया जाता है, आप सेलिब्रिटी देख लो, हाँ ऐसा ऐसे होंगे, अरे तुमको देखने वाले मूवी देखने वाले हिंदी वाले सारे बैठे हुए हैं या क्षेत्रीय भाषा वाले बैठे हुए हैं और तुम इंग्लिश में इंटरव्यू देगे, क्या दिखाना चाहते हो? मुझे इंग्लिश आती है, और इंग्लिश तो एक स्वीपर भी कर लेगा, लेकिन साइंस स्वीपर नहीं समझ सकता। फॉरेन में क्या है, जिन उनका मदर टंग का मतलब स्कूल मीन्स विद्यालय नहीं होता, स्कूल मीन्स स्कूल होता है, जिसका हमारा मतलब हिंदी का विद्यालय मीन्स विद्यालय होता है, हम डायरेक्ट समझ जाते हैं विद्यालय मीन्स विद्यालय नॉट स्कूल। तो वहाँ तो स्वीपर भी समझता है, तो क्या वो साइंस समझ लेगा? नहीं समझ लेगा। लेकिन आज भी हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी है, इंग्लिश बोलने वाले को बहुत हायर क्वालिटी का समझा जाता है, इसके तो सारे परम ज्ञानी हैं, हिंदी बोलने वाले को तुच्छ है। तो इस देश में क्या हिंदी दिवस का जो मनाया जाने का क्या उचित है? पहले हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को ऐसा करें। चाइना ने अपनी कंप्यूटर्स तक अपनी लैंग्वेज में ढाल रखे हैं और चाइना हमसे आगे डेवलप हो गया। वहाँ तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश को प्रेफर इंग्लिश सिखाई जाए, वी आर इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो ये सब चीज़ें काफ़ी टाइम से जो चली आ रही हैं अब बंद होनी चाहिए। और मैं आग्रह करूँगा ऐसे स्कूलों से और ऐसे स्कूल के जो ऑनर्स हैं और फिर जो भी नीति निर्माता हैं कि ये बंद करें ये सिस्टम, ध्यान दें, अब फोकस करें साइंस पे, विज्ञान की ओर फोकस करें, बच्चे को विज्ञान सिखाएं, रटवाने की पद्धति को हटाएं और टीचर को टीचर रहने दें, उनको अपनी लैंग्वेज पढ़ाने दें, बच्चे को समझ में आए, स्टूडेंट फ्रेंडली हो, ऐसे लैंग्वेज में समझाएं टीचर्स भी। ये नहीं कि आप लैंग्वेज पे ध्यान दें, यू आर नॉट ए लैंग्वेज टीचर। तो इसी के साथ मैं समाप्त करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।